क्रिक वेव में आज बात होगी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के पहले मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की। शेख जायद स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच ये पहला मुकाबला। एक नज़र डालते हैं अभी तक के इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों पर। बात करें अगर दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों की तो आईपीएल और चैंपियंस लीग मिला के अभी तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है 18 मुकाबलों में, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को जीत हासिल हुई मात्र 12 मुकाबलों में। और बात करें अगर 2009 यानी पिछले आईपीएल सीजन की तो मात्र 4 मुकाबले हुए इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 4 के 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी। एक नज़र डालते हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के आइडियल प्लेइंग 11 पर इस मैच के लिए। बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग्स की तो शेन वॉटसन है इनके पास ओपनिंग में, साथ में है अंबती रायडू, और इनके पास जो एक और विकल्प है वो है मुरली विजय का। अगर मुरली विजय खेलते हैं तो अंबती रायडू आएंगे तीसरे नंबर पर, साथ में है इनके पास फैफ डुप्लेसिस जो कि रहेंगे तीसरे स्थान पर। अगर मुरली विजय नहीं खेलते हैं तो चौथे स्थान पर रहेंगे केदार जाधव, पाँचवा नंबर रहेगा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। वैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो कोई उनके लिए नंबर डिसाइड नहीं रहता, वो जब चाहें अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो पाँचवें पे रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी, छठे नंबर पे रहेंगे रविंद्र जडेजा, सातवें नंबर पे रहेंगे ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अपने कप्तान की मदद करते हैं, तो सातवें स्थान पर रहेंगे ड्वेन ब्रावो। एक और ऑप्शन हो सकता है कि भाई जब ड्वेन ब्रावो को रेस्ट देना होगा तो सैम करन खिलाए जाएंगे इनकी जगह। आठवें नंबर पर मिचेल सैंटनर और इमरान ताहिर, इन दोनों में से कोई एक स्पिनर खेलेगा। साथ में नवें नंबर पर रहेंगे पीयूष चावला जो काफ़ी हद तक थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं। साथ में दसवां नंबर और ग्यारहवां नंबर रहेगा शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर के लिए। अभी बात करें अगर आईपीएल के पहले हाफ की तो यहाँ पर मीडियम पेसर्स को मिलेगी थोड़ी मदद, तो दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर रहेंगे 10वें और 11वें नंबर पे। वहीं बात करें अगर मुंबई इंडियंस के आइडियल प्लेइंग 11 की तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, जिसमें नंबर एक पे ओपन में करेंगे इनके लिए क्विंटन डीकॉक, साथ में इनका साथ निभाएंगे कप्तान रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर रहेंगे इनके पास सूर्य कुमार यादव, चौथे पे रहेंगे ईशान किशन भी एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है इनके पास, जो फील्डिंग भी कर सकते हैं विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। साथ में पांचवें नंबर पर रहेंगे हार्दिक पांड्या, छठे पे रहेंगे इनके भाई कुणाल पांड्या, सातवें पे रहेंगे कैरन पोलार्ड, आठवें पे रहेंगे नाथन कुल्टर नाइल, या फिर इसमें ये एक ऑप्शन इनके पास ये है कि भाई आठवें नंबर पर या तो ये नाथन कुल्टर नाइल या फिर मिचेल मैकग्रेगन, दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। साथ में नवें नंबर पर रहेंगे जसप्रीत बुमराह, दसवें पे एक स्पिनर का जो स्थान है उसमें राहुल चहर, अनुकुल रॉय और जयंत यादव के बीच इन तीन में से ये किसी एक को खिला सकते हैं। साथ में ग्यारहवें नंबर पे रहेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, तो एक काफ़ी वेल बैलेंस्ड और एक्सपीरियंस लाइनअप है मुंबई इंडियन का। अब नज़र डालते हैं आईपीएल के पहले मैच के लिए क्रिकवेव फैंटेसी प्लेइंग 11 पर। बात करें अगर फैंटेसी प्लेइंग 11 की तो इस टीम में शामिल हैं महेंद्र सिंह धोनी, साथ में इसमें शामिल हैं रोहित शर्मा, अंबती रायडू, सूर्य कुमार यादव और फैफ डुप्लेसिस। साथ में अगर ऑलराउंडर्स पे नज़र डालें तो इसमें रहेंगे कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या, और बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे इमरान ताहिर, जसप्रीत बुमराह और राहुल चहल। बात कैप्टेंसी की करें तो संभालेंगे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन का पदभार संभालेंगे हार्दिक पांड्या। तो अब देखना दिलचस्प होगा कैसी रहती है प्लानिंग चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस की पहले मैच के लिए, जिसको करेंगे ये आगे कैरी फॉरवर्ड बाकी के मुकाबलों में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और आईपीएल के हर मैचेस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, वर्क हार्ड, कीप एंजॉयिंग, कीप प्लेइंग, टेक केयर।